डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एडवर्ड है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता हूँ। मैं इसकी एक स्टेट जॉर्जिया में रहता हूँ और मैं पढ़ाई खत्म कर चुका हूँ और जॉब की तलाश में हूँ। जब आपको कोई काम नहीं मिलता तो आपको इज्जत भी नहीं मिलती। अच्छा काम ढूंढना बहुत मुश्किल भरा होता है। कभी कभी आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं होते। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने स्टडी भी यही कर रखी है, लेकिन किसी स्कूल में भी मैं लग नहीं पा रहा हूँ और पिछले 6 महीनों से इसी तरह अलग अलग स्टेट्स में मैं जा रहा हूँ, काम मुझे मिल नहीं रहा। मैं सोचा करता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँगा, उन्हें शिक्षित बनाऊँगा, क्योंकि यही तो मेरा सपना रहा है। मेरे पिता भी एक टीचर हुआ करते थे और मैं भी एक बड़ा टीचर बनना चाहता हूँ। मैं इस काम के साथ साथ और आगे की पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, ताकि इसी के सहारे मैं किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग सकूं। लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं काम करूंगा, साथ साथ पढ़ता जाऊंगा, लेकिन काम मिल ही नहीं पा रहा है, मैं क्या करूं? मुझे इस तरह से धक्का लगा कि मुझे रेस्टोरेंट में भी काम करना पड़ गया। उन पुराने गंदे बर्तनों को धोते वक्त आँखों से आंसू निकल आए थे, लेकिन मैं क्या करता। ज़िंदगी में कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको पसंद नहीं होती, लेकिन यही तो कुदरत का नियम है। आपको लड़ना पड़ता है अपनी आज़ादी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। इसीलिए मैं कभी रेस्टोरेंट में लगा, कभी पेट्रोल पंप पर काम करने लगा। मैंने माली का काम भी किया। आस पड़ोस में जितने भी घर थे उनके गार्डन की मैं सफाई किया करता और उससे कुछ पैसे मिलते। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था मैं कभी भी कहीं पढ़ा नहीं पाऊंगा। एक स्कूल में मुझे टीचर की नौकरी मिल जाए उससे अच्छा क्या होगा, लेकिन यहाँ मुझे बताया जा रहा था कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। कहाँ से लेकर आऊँ एक्सपीरियंस? मुझे कहीं टीचर की जॉब मिलेगी तभी तो एक्सपीरियंस बना पाऊँगा, ऐसे कहाँ से ढूँढो? तो उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताई थी, ऐसे स्कूल ढूँढो जो बहुत दूर हों, जो गांव में बसे हों, छोटे शहरों में हों। वहां पर टीचर की तलाश करते रहते हैं वो, और वहां पर 6-7 महीने लगा लूँगा, उसके बाद बड़े स्कूल में मैं टीचर लग सकता हूँ। ये अच्छा तरीका था। मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, अपनी जान पहचान वालों से बात करना शुरू कर दी, कौन कौन से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर की तलाश है। मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, छोटे बच्चों को ही पढ़ाऊँगा, नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाकर मैं खुश हो जाऊंगा, बस मुझे ये जॉब मिल जाए। अंत में मुझे टेनेसी के एक शहर में जॉब मिल ही गई, एक छोटा स्कूल जहां पर नर्सरी में बच्चों को पढ़ाना है। वहां पढ़ाना क्या है, बस उन्हें कुछ बताना ही होता है। इतने छोटे बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं जानते, और मुझे खुशी हुई उन्हें पढ़ाने का मौका मिलेगा। 4 घंटे की जॉब होगी और 6 महीने बाद मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट हाथ लग जाए तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बड़ी आसानी से बड़े स्कूल में मुझे टीचर की जॉब मिल जाएगी। तो मैंने अपना सामान पैक किया और सोमवार के दिन ही मैं उस शहर की तरफ निकल पड़ा। सफ़र बहुत लंबा था। मैं जिस शहर में रह रहा था, टेनेसी का वो शहर, वहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ जाने में मुझे लगभग पूरा एक दिन लग गया था, लेकिन वहाँ पहुँचकर मुझे खुशी बहुत हुई। साफ सुथरा शहर, बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी। वहाँ पर लोग भी इस तरह से शांत थे और खिलखिलाते हुए चेहरे देख मैं भी खुश हो गया। वो ज़्यादा बड़ा शहर नहीं था, छोटा शहर था और बाकी बड़े शहरों से एक तरह से कटा हुआ था। एक सड़क ही थी जो यहाँ पर आती थी और कम ही लोग यहाँ घूमने के लिए आया करते थे। यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, बड़ा बियाबान जंगल है, इसी के साथ पीछे ठंडे पहाड़ हैं जो ठंडी ठंडी हवाएं इस शहर की तरफ लाते हैं। और जैसे ही मैंने वो स्कूल देखा तो मुझे खुशी हुई। ये ज़्यादा बड़ा स्कूल नहीं था, लेकिन फिर भी देखने में बहुत सुंदर था। इस स्कूल को बहुत बड़ा इलाका दिया गया था जो गार्डन के रूप में था। वहाँ पर धीरे धीरे और बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी।
इस शहर में और भी बड़े बड़े स्कूल बनाए जाने हैं, लेकिन अभी तो मैं जिस स्कूल में था वो छोटे बच्चों का होगा। यहीं पर अगर बड़े स्कूल में भी मैं टीचर लग जाऊं तो अच्छी बात बन सकती है, लेकिन 6 महीने किसी तरह पहले निकालूंगा। स्कूल के अंदर घूमते घूमते मुझे खुशी हो रही थी। आज छुट्टी थी लेकिन मैं स्कूल तो घूम ही सकता था। स्कूल के प्रिंसिपल से जब मैंने बात की तो वो बहुत खुश मिजाज थे। उन्होंने मुझे बताया कि ये स्कूल 20 साल पहले बना था, यहाँ नर्सरी में बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ पर टीचर ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। जो भी यहाँ पर लगता है कुछ समय बाद चला जाता है। मैं जानता था वो एक्सपीरियंस लेकर चला जाता होगा, लेकिन वो काफ़ी निराश थे। बच्चों को बहुत समय से पढ़ाया नहीं जा रहा है और प्रिंसिपल को खुद क्लास लेनी पड़ रही है। यहाँ कुल 40 ही बच्चे हैं। उसके बाद वो बड़े स्कूल में चले जाते हैं। यहाँ पर भी वो हायर एजुकेशन लाना चाहते हैं लेकिन उनकी बात बन नहीं पा रही है। जगह तो बहुत बड़ी है, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बना दी जाएं तो यहाँ तो कॉलेज तक बनाया जा सकता है। मैं उनसे इसी तरह मजाक भरे अंदाज में बातें किए जा रहा था। प्रिंसिपल ने खुद मेरे साथ आकर मुझे पूरा स्कूल दिखाया था। कई कमरे यहाँ खाली हैं, पीछे का इलाका वो दिखाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा ये हॉल तो बने हुए हैं लेकिन यहाँ पर बहुत गंदगी है, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। मैंने भी उनकी बात मान ली। आगे के जो 2-3 कमरे थे उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा था और यहाँ पर इकलौता टीचर मैं ही बचा था। सबको मुझे ही पढ़ाना था तो मैंने कह दिया सब बच्चे एक ही क्लास में आ जाएं, सबको अलग अलग पढ़ाने से अच्छा है मैं एक साथ ही पढ़ा लूँगा। प्रिंसिपल इतने अच्छे थे, उन्होंने भी ये बात मान ली। अब मुझे लग रहा था यहाँ पर आसानी से 6 महीने का वक्त मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन आगे क्या होने वाला था मैं नहीं जानता था। उसके बाद मैंने उस छोटे से शहर में ही कमरा ले लिया था, वहीं पर मैं रहना शुरू करने वाला था। मुझे खुशी थी। जब मैं शाम के वक्त उस शहर के एक रेस्टोरेंट में गया था तो मुझे और अच्छी बातें पता चली। यहाँ के लोग बड़े एजुकेटेड थे, बड़े आराम से टेबल पर बैठे हुए थे। हर किसी ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा था क्योंकि मैं शहर में नया था। हर किसी ने मुझसे एक बार आकर कुछ ना कुछ कहा ज़रूर था और हर किसी ने अच्छे शब्द ही इस्तेमाल किए थे। वहाँ कोई भी कचरा ज़मीन पर नहीं फेंकता था, वो सब अपना टेबल खुद साफ करके गए थे और मुझे खुद शर्मिंदगी सी होने लगी थी क्योंकि मैं अमूमन ज़्यादा खाना मंगवाता हूँ, जितना खा होता है उतना खाता हूँ और बाकी छोड़कर भाग जाता हूँ, लेकिन यहाँ हर कोई उतना ही खाना मंगवा रहा था जितना उन्हें खाना होता था। मैं खुद शर्मिंदा सा हुआ और बाकी पड़ा वो खाना मैंने पैक करवा लिया ताकि उनके सामने बुरा ना लगूँ। सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी थीं, वहाँ पेड़ों की पूरी कटाई हो चुकी थी, हर किसी के घर पर अच्छे रंग हुए हुए थे, हर किसी ने लकड़ी का सामान हो या कपड़े हो या गाड़ी हो बिल्कुल चमका कर रखे हुए थे। यहाँ सब कुछ अच्छा ही था। जो कमरा मुझे दिया गया था उसका किराया भी बहुत ज़्यादा कम था और उस कमरे में मुझे बहुत चीज़ें इकट्ठा मिल रही थी। फ्रिज भी फ्री में, इसी के साथ टीवी, इंटरनेट कनेक्शन, सब कुछ बड़े ही कम दाम में मिल गया था और मुझे बहुत खुशी हुई थी। किसी बड़े या छोटे शहर में इतने कम पैसे में इतना सब कुछ नहीं मिलता और वहाँ का लैंडलॉर्ड भी बहुत अच्छा था, मुझे हर रोज़ फल देने का वादा भी कर चुका था। अगले दिन मैं सीधा स्कूल में पहुँच गया। लगभग 1 घंटे बाद ही बच्चों को आना था और 1 घंटे तक मैं इंतज़ार करता रहा और इस स्कूल को देखता रहा। मैं पहचानना चाहता था कि क्या क्या काम मुझे करना होगा। छोटे बच्चे ज़्यादा समझदार नहीं होते, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, उन्हें संभालने में ज़्यादा परेशानी होती है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं वहाँ दरवाजे की चिटकनी लगा दूंगा और उन बच्चों को अंदर ही रखूँगा। उनके हाथ ऊपर तक नहीं पहुँचेंगे, वो चिटकनी खोल नहीं पाएंगे और अंदर ही कुछ ना कुछ उन्हें सिखाता रहूँगा। पहला ही तो दिन है, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करूँगा। 9 बजे के करीब सब बच्चे वहाँ पर आ गए थे। सब बच्चे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, कोई 4 साल का था तो कोई 6 साल का बच्चा था, लेकिन सभी बहुत समझदार से लग रहे थे, छोटे बच्चों की तरह ज़्यादा चंचल नहीं थे। हर कोई अपनी सीट पर आकर बैठ गया था, शायद हर रोज़ का काम हो और प्रिंसिपल उन्हें पढ़ाते होंगे इसलिए वो कुछ सीख चुके होंगे। अब मैं एक एक से उनका नाम पूछ रहा था और वो बड़ी ही समझदारी से बता भी रहे थे। इतने छोटे बच्चे कभी इस तरह से चुपचाप नहीं बैठते, लेकिन ये छोटे आकार के बच्चे भी बड़े तेज़ होते हैं, समझदार बनने का नाटक करते हैं और तंग बहुत करते हैं, मैं जानता हूँ इन्हें। वहाँ सबसे मैंने नाम पूछा, उसके बाद उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। मैं अपनी कहानियाँ बताता गया कि मैं क्या किया करता था, बचपन में कितनी शरारतें किया करता था और वो बच्चे भी खिलखिलाकर हंस रहे थे।
उसके बाद मैंने ABC उन्हें सिखाना शुरू कर दिया और वो कहने लगे, ये हम पहले से जानते हैं। इतने छोटे बच्चे भी सब कुछ पहले से ही जानते थे और वो मुझसे और चीज़ें जानना चाहते थे। वो तो ये जानना चाहते थे कि किस तरह ग्रॉसरी लाई जाती है, किस तरह से फल तोड़े जाते हैं, किस तरह से झगड़ा किया जाता है। अब धीरे धीरे वो मुझसे खुलने लगे थे और मस्ती करने लगे थे। बच्चों का जैसा स्वभाव होता ही है, एक दूसरे के कान खींचना, वहाँ टेबल को पलट देना, और इसके बाद धीरे धीरे वो एक दूसरे से झगड़ा सा करने लगे थे। मैं जान गया था, ये बच्चे दिखने में साफ सुथरे लगते हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत तंग करने वाले हैं। दो बच्चे तो बार बार दरवाजे के पास पहुंच जाते, उसे खोलने की कोशिश करते, बाहर जाने की कोशिश करते, लेकिन मैंने जो टिकनी लगा रखी थी, मेरी प्लानिंग पहले से ही पूरी थी। अब एक घंटे तक वो बच्चे पूरी तरह से खुल चुके थे और बड़ी मस्ती किए जा रहे थे। यहाँ पर कुल 30 बच्चे थे जो इतनी मस्ती कर रहे थे कि किसी एक पर ध्यान लगाया ही नहीं जा रहा था। वहाँ आवाज़ें बहुत आ रही थी, तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ गए। लेकिन मैं हैरान हो गया, ये छोटे चंचल बच्चे प्रिंसिपल को देखकर अपनी सीट पर इतनी तेज़ी से जा बैठे थे और बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन बच्चों के अंदर प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा डर हो। लेकिन इतने छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं होते, वो मस्ती करते रहते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत और सर भी पीछे घुमाकर नहीं देख रहे थे, बिल्कुल सीधे, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग मिली हो। अब प्रिंसिपल चलते हुए मेरे पास आए और पूछने लगे, बच्चों ने तंग तो नहीं किया? मैंने भी कह दिया, नहीं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं, तंग तो बिल्कुल नहीं किया। हर बच्चे का चेहरा एक जैसा लग रहा था, किसी के चेहरे पर हंसी नहीं, बस आंखें उस बोर्ड की तरफ। मैं कुछ समय के लिए हैरान रहा था और उसके बाद प्रिंसिपल मुझसे भी बात करने लगे, उन बच्चों से भी बात करने लगे। वहाँ 15 मिनट तक वो प्रिंसिपल रहे थे और वहाँ से चले गए। जैसे ही उनके कदम उस कमरे से बाहर पड़े, वो बच्चे फिर से मस्ती करने लगे थे। बड़े चालाक बच्चे हैं। एक बच्चे को पकड़कर मैंने पूछा, क्या हर रोज़ तुम ऐसा ही करते हो? तुम कहाँ से आए हो और कितना यहाँ पर पढ़ाया जा चुका है? क्या क्या चीज़ तुम्हें पता है और क्या क्या जानना है, मुझे बताओ तो। वो बच्चा भी अब मुझसे बात करने लगा था, लेकिन बार बार सर हिलाए जा रहा था, उसका चंचलपन था। तभी मेरा ध्यान उसके कानों के पीछे पड़ा, उसके दोनों कानों के नीचे टांके लगे हुए थे। मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या हुआ, चोट लगी थी? इतने टांके क्यों लगे हुए हैं, वो भी कान के पीछे, और कहीं तो चोट के निशान है नहीं? तो वो बच्चा हाथ लगाकर कहने लगा, पता नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं। मैंने सोचा बहुत छोटा होगा, तब इसे चोट लग गई होगी। मैंने उसे खेलने के लिए कह दिया। उसके बाद और बच्चे के पास गया और उसकी आदतों के बारे में जानने लगा। 5-10 मिनट वो मुझे घर की बातें बताता रहा, इधर उधर की बातें बताता रहा। तभी मेरी नज़र उसके कान के पीछे भी पड़ी। उसके कान के पीछे भी वैसे ही टांके लगे हुए थे, दोनों कानों के नीचे वैसे ही टांके। इसको भी वैसी ही चोट लगी होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, दो बच्चों को एक जैसी चोट, और कहीं भी चोट के कोई निशान नहीं। मैंने भागकर एक और बच्चे को पकड़ा और उसके कान के नीचे देखा, उसके कान के नीचे भी वैसे ही टांके लगे हुए थे। अब मैं थोड़ा सा घबरा गया था, और बच्चों को देखने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के कान के नीचे टांके थे। कुछ बच्चे थे जिनके कान के नीचे टांके नहीं थे, बाकी सब के नीचे थे। मैंने सोचा, क्या इन्हें कुछ हो रहा है, कोई चोट लग रही है या कोई बीमारी जिस कारण इनका ऑपरेशन हो रहा है और कान के नीचे टांके लगाए जा रहे हैं? मैं ये सवाल अब प्रिंसिपल से पूछना चाहता था। वहाँ से मैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में पहुँच गया। मैंने यही बात प्रिंसिपल को बताई और वो घबराती हुई आवाज़ में कहने लगे, क्या बच्चों के कान के नीचे टांके लगे हुए हैं? कुछ नए तो नहीं, यहाँ चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा, नहीं नहीं, यहाँ चोट नहीं लगी, लेकिन सबकी एक जैसे टांके कैसे हो सकते हैं? तो प्रिंसिपल भी कहने लगे, हाँ, कैसे हो सकते हैं, सबको एक जैसी चोट नहीं लग सकती, कुछ तो गड़बड़ होगी। तुम जान सकते हो तो जान लो, मुझे स्कूल का और भी बहुत काम है, और हाँ, मुझे बताना जरूर तुम्हें क्या क्या पता लगा है। अब मैंने भी ठान ही लिया था, पता तो लगा कर ही रहूंगा, सब बच्चों के एक जैसे टांके कैसे लगे हुए हैं। जब 1 बजे के करीब सब बच्चों को छुट्टी हो गई, उनके माता पिता वहाँ उन्हें लेने के लिए आ गए, तो मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहता था। सब काम से छुट्टी लेकर आए हुए थे तो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। मैंने सोचा, यहाँ कहीं अस्पताल तो होगा, वहाँ से पता करता हूँ। लगभग 2 बजे ही मैं पास के अस्पताल में पहुँच गया था। वहाँ भी हर कोई मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था और मेरी हर बात सुन भी रहा था।
मैंने कहा, यहाँ बच्चों का कोई डॉक्टर है? उन्होंने मुझे एक बच्चों के डॉक्टर से भी मिलाया। मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता था और वो भी मेरे साथ ही कमरे में आ गए। उनसे पहले मैंने इधर उधर की बातें शुरू कर दी और मैंने ये कहा, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं आया हुआ हूँ। मुझे इन छोटे से बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, तो मैंने सोचा कुछ आपसे बात ही कर लूँ। वो भी हंसी में हर बात मुझसे कर रहा था, मेरे हर सवाल का जवाब दिया था। जब उसे मुझ पर भरोसा सा हो गया, तब मैंने ये सवाल किया, क्या किसी बच्चे के कोई ऐसी बीमारी होती है जो कान के नीचे टांके लगाने पड़ते हैं? वो कहने लगा, हाँ वैसे गर्दन में बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं। मैंने कहा, कोई ऐसी बीमारी जो इस शहर में ज़्यादा फैल रही हो? वो सोचने लगा था और फिर कहा, नहीं कोई ऐसी खास बीमारी इस शहर में नहीं फैली हुई। तो मैंने कहा, मेरे स्कूल में जितने बच्चे हैं, लगभग कुछ को छोड़कर सबके कान के नीचे टांके लगे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ बच्चों को कोई बीमारी हो ही नहीं रही, तो कौन है जो हर बच्चे के कान के नीचे टांका लगा रहा है? क्या उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा? वो डॉक्टर भी घबरा गया था, क्या सच में? मेरा ध्यान कभी नहीं गया, यहाँ कुछ अपने बच्चों को लेकर आते हैं लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देता। वो जिस चीज को बताते हैं मैं वही चेक करता हूँ। अब ध्यान दूंगा, कान के नीचे चेक करूंगा। सच में तुम सच तो बोल रहे हो ना, मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कहा, नहीं मैं नया हूं ना, मजाक कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो किसी का स्वभाव भी नहीं पता, अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे बताना जरूर। डॉक्टर भी मान गया था और मैं उस अस्पताल से भी बाहर आ गया। अब मैं सोच रहा था, इस चीज का पता करूं तो किससे करूं? जरूर मुझे किसी बच्चे के घर जाना होगा और उसके माँ बाप से बात करनी होगी, लेकिन एक ही दिन तो पढ़ाया है, सीधा किसी बच्चे के घर चला जाऊंगा तो उनको मुझ पर भरोसा नहीं होगा। कुछ दिन पढ़ाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कौन से बच्चे के माँ बाप से मैं बात कर सकता हूँ। अब उसके अगले दिन भी मैं बच्चों से बात करता रहा। यहाँ बच्चे बहुत ही तेज हैं, वो बहुत जल्दी बहुत चीज़ें सीख लेते हैं। मैंने कभी भी इतने छोटे बच्चों को इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखते हुए नहीं देखा। वहाँ पर मैं बड़ों के कुछ इक्वेशंस उन्हें बता रहा था और कह रहा था, देखो भविष्य में तुम्हें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और ये मुश्किल चीज़ें भी सीखनी होंगी। मैंने उन्हें एक बार बताया था इक्वेशन कैसे काम करती है, हर बच्चे ने सीख ली। इतने तेज बच्चे, वो भी सब के सब, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैंने उन्हें रूबिक क्यूब दिखाया था कैसे सॉल्व करना है और वो दो ही दिन में उस रूबिक क्यूब को सही तरह से सॉल्व करना सीख चुके थे। अगले 3-4 दिनों तक इसी तरह से बच्चों को कुछ नया नया सिखाता गया, वो बच्चे सीखते गए। इतने छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे थे और मैंने उन बच्चों का भरोसा भी जीत लिया था। उसके बाद एक छोटी बच्ची के माता पिता वहाँ उसे लेने आए थे, मैंने भी उनसे बात करना शुरू कर दिया। वो भी बहुत अच्छे थे और कह रहे थे, कभी आप हमारे घर आइए। और मैंने भी इसी बहाने कह दिया, आज मैं बाहर कहीं घूमना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ आपके पास ही आ जाऊँ, चाय पी कर जाऊँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, जी हाँ ज़रूर आइए, आज आपको चाय पिलाते हैं। उन्हीं के साथ मैं चल पड़ा था उनके घर। उनके घर जाकर उनका घर देखा, बहुत ही सुंदर। वो शायद इस शहर के सबसे बड़े घरों में से एक था, बहुत ही सुंदर घर। वहाँ ज़्यादातर सामान कांच का ही था। मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहता था क्योंकि मुझे डर था हाथ लगने से कुछ गंदा ना हो जाए या कुछ गिर ही ना जाए, बहुत महंगा होगा सब कुछ। और उसके बाद उनसे बातें करने लगा, घर की बातें, शहर की बातें, और मैं उनसे जानना चाहता था, क्या इस शहर के सभी लोग इतने एजुकेटेड हैं? सड़कें साफ, घर साफ, मुझे यहाँ मिट्टी नहीं दिख रही, गंदे कपड़े तक नहीं नजर आ रहे, किसी के गंदे हेयर कट नहीं, यहाँ पर भिखारी तक नहीं, हर किसी को जैसे काम मिलता हो, बहुत ही अच्छे लोग। तो वो भी मुस्कुराकर कहने लगे थे, हाँ इस शहर को इसी तरह से अच्छा बनाया गया है, यहाँ के मेयर बहुत अच्छे हैं, वो सबको समझदारी वाली बात ही बताते हैं। वो कहते हैं सब कुछ बचपन से ही तय हो जाता है, बच्चों को सही सिखाया जाए तो बड़े भी सही रहते हैं, इसीलिए यहाँ सब समझदार ही हैं। मैं उनकी बातें सुनकर अचंभित भी था और उनसे इंटरेस्टेड भी था। इसके बाद इस शहर की और बातें सुनने लगा था मैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, किस तरह से ये शहर बना, किस तरह से पहले जंगल था, कटाई हुई, लगभग 150 साल पुराना ये शहर है, धीरे धीरे ये शहर बड़ा हो रहा है और यहाँ पहचान बन रही है, लेकिन इस शहर की कनेक्टिविटी बहुत कमज़ोर है, एक ही बड़ी सड़क है जो इस शहर से जुड़ी हुई है।
हर तरफ की बातें करने के बाद मैंने सीधा ये बात कही, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे, आपके बच्चे के कान के नीचे टांके लगे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं उसे कब चोट लगी थी, मुझे बहुत बुरा लगा। उन्होंने भी बताना शुरू कर दिया, ये चोट स्कूल में लगी थी, स्कूल में शायद ये गिर गई होगी, प्रिंसिपल ने यही बताया था। इसके गिरने के बाद इसे अस्पताल ले जाया गया और कान के नीचे टांके लगवाए गए। कहा जा रहा था दो बच्चों ने पकड़ रखा था, ये पीछे बेंच से टकराई और दोनों कोने इसके कान के नीचे टकरा गए और चोट लग गई। मैंने कहा, अच्छा तो इसलिए लगा, आपने तो देखी नहीं ना, घर में नहीं लगी। उन्होंने कहा, नहीं ये चोट स्कूल में लगी थी। अब मैं जानना चाहता था कि ये चोट अगर स्कूल में लगी है तो प्रिंसिपल ने मुझे बताया क्यों नहीं, या हो सकता है ये झूठ बोल रहे हैं, घर में कुछ ना कुछ किया होगा या कहीं और कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन मुझे बताया नहीं जा रहा। उनसे मैंने अलविदा ली और उसके बाद एक और पेरेंट्स के पास जाना चाहता था। उनसे भी मैंने बात कर रखी थी कि किसी दिन आपके घर आऊँगा ज़रूर। अब उनका घर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और मैं वहाँ तक चल कर ही जाने वाला था। इतना तो मैं सुबह सुबह खुद ही सैर के लिए चल पड़ता हूँ। और जब मैं उस घर में पहुंचा, वो घर भी बहुत ही आलीशान और सुंदर था। अंदर से बहुत अच्छा सजाया गया था, लकड़ी का काम सबसे ज़्यादा करवाया गया था और सफ़ेद रंग की पेंटिंग्स हर तरफ भरी पड़ी थी, कुछ पर बना हुआ था और कुछ बिल्कुल खाली। अब मैं उनसे बातें कर रहा था और चाय पिए जा रहा था, वो भी मुझे इस शहर की बातें बताते रहे। लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब सी थी, उनकी कहानियाँ कुछ अलग सी थी, जबकि पहले पेरेंट से मैंने कुछ अलग कहानियाँ सुनी थी। वो तो कह रहे थे 50 साल पुराना शहर है और यहाँ पर पहले कुछ हुआ नहीं करता था, बंजर जमीन थी, यहाँ पर पेड़ तो उगते ही बहुत कम है, बाद में यहाँ पर सिंचाई की गई, तब से यहाँ हरियाली आना शुरू हुई है। यानी पहले पेरेंट्स की बात से बिल्कुल अलग, अब उनकी बात मानूँ या इनकी बात मानूँ। चलो अब पूछता हूँ कान के नीचे वो चोट कैसे लगी। मैंने कहा, आपकी बच्ची के कान के नीचे चोट लगी हुई है, मैं जानना चाहता हूँ वो कान के नीचे चोट कैसे लगी। इस बार उन्होंने वैसी ही बात बताई, ये चोट स्कूल में लगी थी, वहाँ ये खेल रही होगी, दो बच्चों ने पकड़ा, बेंच से टकरा गई और कान के नीचे चोट लग गई, इसे अस्पताल ले जाया गया और टांके लगवाए गए, हम अस्पताल में पहुँचे थे जब टांके लग चुके थे। अब ये बात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले पेरेंट्स ने बताई थी, दो बच्चों को एक जैसी चोट, एक जैसे टांके कैसे लग सकते हैं, कोई संयोग नहीं हो सकता। अब मैं किसी और के घर जाता हूं और वहां पक्का करके आता हूं कैसे लगी ये चोट। उसके बाद मैं किसी और पेरेंट्स का घर ढूंढ रहा था, पूछते पूछते एक पेरेंट्स के घर में पहुंच ही गया। वहां वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि मैंने कहा नहीं था कि मैं शाम को आऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा, यहाँ घूमने आया हुआ था, आपको देखा तो मुझे लगा आपसे कुछ बात करनी चाहिए। अब मैं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता था, कोई कहानी सुनना नहीं चाहता था, सीधा मुद्दे की बात पर आना चाहता था। आज मैंने आपके बच्चे को देखा, कान के नीचे चोट लगी हुई थी, मैं जानना चाहता हूँ ये चोट कैसे लगी, मुझे डर लग रहा था। उन्होंने कहा, स्कूल में दो बच्चों ने पकड़ा, बेंच से सर टकराया, कान के नीचे चोट लग गई, अस्पताल ले जाकर टांके लगे। अब मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। सब पेरेंट्स एक जैसी कहानी बता रहे हैं, हर बच्चे को एक जैसी चोट लग रही है, कान के नीचे चोट लग रही है और टांके लग रहे हैं। अब इसका पता तो लगाना होगा, जो हो रहा है स्कूल में हो रहा है, हर पेरेंट्स अलग अलग जगह पर रहते हैं, हर कोई अपने बच्चे को एक जैसे टांके नहीं लगवा रहा होगा, जो भी हो रहा है वो स्कूल में हो रहा है, मुझे जानना होगा कैसे। अगले दिन जब मैं स्कूल में गया था, सब बच्चों के कान चेक कर रहा था और उनसे पूछ रहा था चोट कैसे लगी, उनको कुछ पता ही नहीं था, वो तो छोटे बच्चे थे, शायद याद भूल चुके थे। लेकिन आज मैं हैरान, वहाँ पहले 4 से 5 बच्चे ऐसे थे जिनके कान के नीचे टांके नहीं लगे हुए थे, सिर्फ 2 बचे थे अब, बाकी सबके कान के नीचे टांके। मैं ढूंढ रहा था कौन है जिसके कान के नीचे नए टांके लगे हैं, किसी के भी नए टांके नहीं थे, सबके पुराने। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे एक ही दिन में उनके कान के नीचे टांके आ गए और वो भी पुराने जैसे। मैं अपना सर पकड़ चुका था, मैं बहुत ही घबराया हुआ था और जब मैंने ये बात प्रिंसिपल से की तो प्रिंसिपल खुद हैरान, अच्छा तुम पेरेंट्स के पास गए थे, कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा, वो तो कह रहे हैं जो हो रहा है स्कूल में हो रहा है।
तो प्रिंसिपल ने कहा, स्कूल में हो रहा है? मुझे तो पता तक नहीं कि बच्चों के कान के नीचे टांके हैं। प्रिंसिपल मेरे साथ उस कमरे में आए थे, उन्होंने एक एक बच्चे को देखा था और वो भी डर गए थे। ये कुछ गड़बड़ लगती है, हर बच्चे के एक जैसे टांके नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ साजिश हो रही है यहाँ पर। अब प्रिंसिपल से ये बातें करके मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ चल रही है और पता मुझे ही लगाना होगा। प्रिंसिपल को काम बहुत होते हैं, इन बच्चों के साथ कुछ हो रहा है जिसमें कोई ना कोई तो मिला हुआ है। वहां या तो वो पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं या ये प्रिंसिपल झूठ बोल रहा है। वो पेरेंट्स अलग अलग जगह से आ रहे थे, शायद वो मिले हुए ना हो, लेकिन ये प्रिंसिपल झूठ बोल सकता है। अब मुझे इस स्कूल की तफ्तीश तो करनी ही होगी। उसके बाद जैसे ही 1 बजे बच्चों को छुट्टी हुई, मैं स्कूल से जाना नहीं चाहता था। प्रिंसिपल आज स्कूल में नहीं थे, वो बाहर किसी फंक्शन पर गए हुए थे और ये स्कूल मुझे ही बंद करना था। सिक्योरिटी गार्ड को मैंने पहले ही भेज दिया था, सफाई कर्मचारी भी वहाँ से जा चुके थे, तो ये स्कूल बिल्कुल खाली था और अब यहाँ पर मैं तफ्तीश करने वाला था। हो क्या रहा है यहाँ? सबसे पहले तो मैं फाइल्स वाले कमरे में गया, मैं फाइल्स को खंगालने लगा। उन बच्चों की सारी फाइल्स मेरे सामने थी, मैं देख रहा था वहाँ क्या क्या लिखा गया है। उन टांकों के बारे में कुछ नहीं था, वैक्सीनेशन की जानकारी थी, उन बच्चों को क्या बीमारी है, कितने समझदार हैं या नहीं, कितनी प्रोग्रेस की है या नहीं, वो बताया गया था, लेकिन इन टांकों की जानकारी नहीं थी। वो पूरा कमरा देख लिया था, लेकिन उसके बाद वो पीछे वाले बंद कमरे, चाबी मेरे पास ही थी पूरे स्कूल की, खोलकर देख सकता था और वहाँ पर है क्या ये जानना चाहता था। उस स्कूल के अंदर की गली पीछे लाइट्स नहीं लगी हुई थी और ना ही रोशनी का किसी तरफ से भी आना जाना हो रहा था, काफ़ी अंधेरा था और अपने फ़ोन की लाइट जलाकर मैं आगे जा रहा था। यकीन करिए, वक्त दिन का भी हो, अगर अंधेरे में बिल्कुल बंद जगह पर आप चले जाएं तो डर लगने लगता है। भूतों पर यकीन ना हो तब भी होने लगता है, आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, पैर कांपने लगते हैं। ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ भी। सामने वो कमरा बिल्कुल अंधेरे में, फ़ोन की लाइट से मैं उसके करीब गया था और जैसे ही मैंने ताला खोला, मैंने वो हॉल खोलकर देखा तो उसके अंदर बड़ी सी मशीन पड़ी थी, आसपास छोटी छोटी बहुत सारी मशीनें। वो हॉल बहुत बड़ा था, ये मशीनें अमूमन स्कूल में नहीं पाई जाती। मैं क्या कहूँ, ऐसी मशीनें मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी, बड़ी छोटी तरह तरह की मशीनें और वहाँ बड़े बड़े बक्से भी पड़े थे जो लकड़ी के थे और बंद करके रखे हुए थे। उसके बाद मैं आगे देखता गया, वहाँ मिट्टी का एक कण तक नहीं था, यानी इसे खोला जाता है। वहाँ कुछ फाइल्स बिखरी पड़ी थी, सामान बिखरा पड़ा था, वहाँ दीवारों पर तस्वीरें लगाई गई थी, एक बोर्ड पर बच्चों की तस्वीरें लगाई गई थी जिसके नीचे सिग्नेचर किए गए थे। कुछ के नीचे सिग्नेचर थे लेकिन 2-3 तस्वीरें ऐसी थी जिन पर सिग्नेचर नहीं थे। ध्यान से मैंने उन तस्वीरों को देखा, वो बच्चों की तस्वीरें यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की तस्वीरें ही थी, लेकिन जिनके नीचे सिग्नेचर नहीं थे उन्हीं के तो टांके नहीं लगे हुए थे। मैं थोड़ा घबराया और उस हॉल के आगे जाकर भी देखने लगा। वो कई कमरों से जुड़ा हुआ था, उन कमरों के कोई दरवाजे नहीं थे। एक कमरे की तरफ गया तो आगे कुर्सियां लगी थी और उन कुर्सियों के आगे आईने लगे हुए थे और मैं देखता रह गया। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई बार्बर शॉप हो, जिस तरह से नाई बाल काटने के लिए कुर्सियां आईने के सामने लगाते हैं, वहां वैसा ही माहौल था। लेकिन आसपास बहुत सारी कैंची पड़ी थी, बाल का नामो निशान नहीं था, और तरह के औजार थे और बड़ी बड़ी तलवारें भी वहाँ पर पड़ी थी। उसे देखकर कुछ पल के लिए मैं डर गया था, वहाँ तरह तरह के इंजेक्शन सामने टांगे गए थे। ये देखकर डर सा लग रहा था और मैं उस कमरे से बाहर आ गया। मैं अब और कमरे भी देखना चाहता था लेकिन टांगे कांप रही थी। डर इस चीज़ का था कि किसी को पता चल गया मैं यहाँ आकर गया तो पता नहीं क्या हो सकता है। मुझे लग रहा है ये प्रिंसिपल कुछ गड़बड़ है, मुझे ये पीछे नहीं जाने दे रहा था और यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है, उन बच्चों के टांके यही लगा रहा है। लेकिन क्यों, मुझे ये जानना है। जब तक सब कुछ नहीं जान लेता तब तक मैं किसी को बता तक नहीं सकता। किसी तरह डरता डरता मैं दूसरे कमरे में गया, वहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चिप पड़ी थी। वो चिप पूरी दीवारों से जैसे लगा रखी थी, कुछ महंगी चिप लग रही थी तो कुछ बहुत ही सस्ती नीचे ही बिखरी हुई थी। लेकिन ये चिप मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे ये छोटी छोटी मोबाइल की चिप हों, उनसे बार बार नीली और लाल रंग की लाइट जल रही थी हर एक चिप से।
मैं देखता जा रहा था यहां इस तरह का सामान क्यों पड़ा है। इसके बाद मैं उस कमरे से बाहर आ गया। जैसे ही मैं तीसरे कमरे को देखने लगा, वहां पर बहुत सारे एसिड पड़े थे। उन एसिड के अंदर से सफेद रंग की भाप निकल रही थी और ऊपर छत तक जाकर वो भाप लाल रंग की हो जाती और कुछ समय बाद गायब हो जाती। वहां हर तरफ मर्तबान में ऐसे ही एसिड पड़े थे और मैं जल्दी से वहां से बाहर आना चाहता था, क्योंकि ऐसे एसिड अगर आपकी सांस के अंदर चले जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैं उस हॉल से भी बाहर आना चाहता था। यहां कुछ गड़बड़ है और मुझे पता लगाना होगा। उससे पहले यहां वापिस नहीं आऊंगा। हो सकता है ये बड़ी संस्था का काम हो और मुझे मारने में उन्हें समय तक नहीं लगेगा। मैंने जल्दी से वो ताला लगा दिया था और हॉल से बाहर निकल आया था। जैसे ही मैं उस कमरे के पास पहुंचा, प्रिंसिपल अपने कमरे के अंदर थे। वो आवाज उनके कमरे से आ रही थी। वो फाइलों को खंगाल रहे थे, वो कुछ ढूंढ रहे थे। अब मैं यहां से चलकर नहीं जा सकता था। मेरे जूतों से आवाज आती और उन्हें पता लग जाता। जहां पर मैं खड़ा था वहीं खड़ा रहा। 5 मिनट तक मैंने ऐसा ही किया, क्योंकि पहले तो वो फाइलों को खंगार रहे थे तो आवाज हो रही थी, तभी से मैं चलकर यहां तक आ गया। लेकिन अब एकदम से शांति। मैं समझ नहीं पा रहा था अब वो शांत हो गए हैं क्यों। लेकिन मैंने सांस भरी और सीधा मैं उनके कमरे में चला गया। उनके कमरे में जाकर कहने लगा, अरे सर आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो वहां बच्चों के लिए कुछ नए तरह के प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। घर में मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा यहीं पर बैठकर बनाता हूं। आप कब आए? तो वो कहने लगे, मैं अभी आया था, मैं बस कुछ ढूंढ रहा हूं, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अब उसके बाद मैंने भी कहा, नहीं नहीं आपसे कुछ बातें करनी है। वैसे ही मन कर रहा था, अकेला अकेला सा था, आपसे ही बात कर लेता हूं। वो कह रहे थे, हाँ मैं भी बात करना तो चाहता हूं, लेकिन आज थोड़ा काम ज्यादा है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा, उन बच्चों की फाइल्स तो नहीं ढूंढ रहे? एकदम से वो डर से गए थे। बच्चों की फाइल्स, क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, बच्चों की फाइल्स मैं भी खंगाल कर हटा हूं, अभी उस कमरे में है, यहां नहीं मौजूद। तो उन्होंने कहा, अच्छा अच्छा मुझे याद नहीं रहा, तो तुम क्या ढूंढ रहे थे? मैंने कहा, वही कान के नीचे के टांके, मुझे लगा फाइल्स में कुछ ना कुछ तो बताया होगा, कोई बीमारी। तो वो कहने लगे, नहीं नहीं वहां तो कुछ नहीं है, वहां होता तो मुझे पता होता। तुम पता लगाओ कान के नीचे टांके कैसे आए, डॉक्टर से बात करो, घर वालों से बात करो, किसी और से बात करो और जानो, मुझे बताना जरूर क्या पता चला है। मैं उनके कमरे से बाहर आ गया और उनसे ये कहा कि मैं जाने वाला हूं। मैं बाहर जाकर गेट के पास छिपकर खड़ा हो गया। मैं अंदर झांक रहा था वो कर क्या रहे। वो अपने कमरे में फाइल्स को खंगालते जा रहे थे, इस तरह से फेंक रहे थे जैसे कुछ खास ढूंढ रहे हों, लेकिन वो ढूंढ अपने कमरे से ही रहे थे। मैंने कहा भी, वो बच्चों की फाइल दूसरे कमरे में है, लेकिन फिर भी अपने कमरे से कुछ ढूंढ रहे थे। उस समय वहां और कोई नहीं था। कुछ समय वो ढूंढते रहे, उसके बाद मैंने वहीं से देखा, उनके हाथ में एक धागा था, एक सुई थी, एक एसिड की छोटी सी शीशी। उसे उन्होंने जल्दी से लिफाफे में लपेटा, अपनी जेब में डाल ली। उसके बाद मैं भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। उन्होंने उस स्कूल का बड़ा गेट बंद किया, उन्होंने अपना कमरा तक बंद नहीं किया था, वो जल्दबाजी में थे। उसके बाद वो वहां से निकले। अब मैं उनका पीछा करना तो चाहता था, लेकिन उनके पास गाड़ी थी और मैं पैदल आया करता था, क्या करता मैं। वो गाड़ी लेकर जल्दी से वहां निकले थे और मैं भी उनका पीछा करने के लिए साइकिल का सहारा ले चुका था। पास में पड़ी वो साइकिल, उसे कोई नहीं चलाता था, स्कूल में माली उसका इस्तेमाल किया करता और बाहर ही टांग देता। उसको एक नंबर लगा करता था जिससे वो साइकिल खोली जा सकती थी। उस नंबर को लगाकर साइकिल मैंने पीछे भगानी शुरू कर दी। गाड़ी वो ज़्यादा तेज़ नहीं चलाया करते थे, इसलिए आसानी से मैं उनका पीछा कर पा रहा था। जल्दबाजी में मैं उनके काफ़ी करीब पहुंचा और तभी मैंने चेहरा घुमाना शुरू कर दिया। मैं पहचान में नहीं आना चाहता था। उन्होंने वो गाड़ी एक घर के आगे लगा दी थी। ये घर उनका नहीं था, किसी और का था। मैं जानना चाहता था किसका, लेकिन उस घर से कोई बाहर नहीं आया। वहां बाहर ही गाड़ी में वो प्रिंसिपल बैठे हुए थे। उस घर से एक बच्चा आया, हमारे स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा, भागता हुआ आया, उनकी गाड़ी में बैठ गया। उन्होंने गाड़ी घुमाई और स्कूल की तरफ निकल लिए। मुझे बहुत डर लग रहा था, यहाँ क्या हो रहा है। मैंने साइकिल उनकी गाड़ी के पीछे ही लगा दी थी।
वो गाड़ी स्कूल के पास आकर लगाई। उन्होंने बच्चे को खींचते हुए अंदर की तरफ किया और वो स्कूल के अंदर गए। अब उस स्कूल का वो गेट लगाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा, इसीलिए मैं अंदर जा पाया। वो उस बच्चे को उसी हॉल की तरफ ले जा रहे थे। उनके पास भी एक चाबी का छल्ला था जिसमें सब कुछ था, वो हर कमरे को खोल सकते थे। उन्होंने वो हॉल खोला, उस बच्चे को अंदर ले गए। अब यहाँ पर बहुत समय हो चुका था और शाम के वक्त यहाँ थोड़ी थोड़ी धुंध घिर जाती है जिस कारण अंधेरा जल्दी हो जाता है। यहाँ उनके पीछे था और बाहर अंधेरा सा होने लगा था, धुंध हर तरफ छाने लगी थी। मैं जानता था वो बच्चे के साथ क्या करने वाले हैं लेकिन डर बहुत लग रहा था। मैं उनका पीछा करता रहा, छिपता रहा, मैं आवाज़ नहीं करना चाहता था। वो सबसे पहले उस बच्चे को उसी नाई जैसे कमरे में लेकर गए। बस 30 सेकंड के लिए लेकर गए थे। उस बच्चे ने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, वो दूसरे कमरे में लेकर गए, वहाँ बस 10 सेकंड। फिर तीसरे कमरे में लेकर गए, वहाँ बस 10 सेकंड। उस बच्चे को अब बाहर ले आ रहे थे। मैं भी भागकर गेट पर पहुँच गया। इतनी जल्दी क्या किया जा सकता है, कौन सा टांका लगा दिया होगा इन्होंने। लेकिन वो बच्चे की पहचान कर ली थी। वहाँ उन्होंने गाड़ी में बिठाया, मैंने साइकिल से पीछा किया, उन्होंने उस बच्चे को उसी घर में छोड़ दिया और बाद में वो बड़ी हंसी खुशी वहाँ से निकल ली। वो साइकिल मैंने स्कूल पर लगाई और मैं भी अपने घर की तरफ आ गया। लेकिन मैं जानता था उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, उसके कान के पीछे भी टांके लगाए होंगे। अगली सुबह जब मैं स्कूल में पहुंचा, उस बच्चे से ही सबसे पहले मिला मैं। कान के पीछे देखा, टांके लगे हुए थे। लेकिन ये टांके कैसे थे, ताज़े नहीं लग रहे थे, जैसे बहुत साल पुराने हों, बिल्कुल लगभग भर चुके थे। कैसे करते हैं ये प्रिंसिपल, टांकों को ऐसे भर देते हैं जैसे ये बहुत पुराने हों। लेकिन उन घर वालों को पता नहीं चलता कैसे। मैं सीधा उस दिन 12 बजे ही स्कूल से निकल लिया था। मैंने प्रिंसिपल को कहा मुझे बहुत काम है। मैं उस बच्चे के माता पिता से मिलना चाहता था उससे पहले कि वो बच्चा घर पहुंच पाता। मैं सीधा उनके घर पहुंचा, उनसे बात करने लगा और कहने लगा आपके बच्चे के कोई चोट नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपका बच्चा जल्द ही घर आने वाला है, कान के पीछे जो टांके लगे हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं कोई टांके नहीं है। जैसे ही 1 बजे वो बच्चा घर आया, मैंने वो टांके उनके माता पिता को दिखाए। उन्होंने कहा ये तो बहुत पुरानी चोट है, ये हमें याद है, बहुत पहले लगी थी, हमने सोचा कोई नई चोट लगी है। वो इस बात को छिपा रहे थे और इस चीज़ ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। मैंने कहा उस प्रिंसिपल ने टांके लगाए, ये बच्चा खुद गया था उनके साथ, मैंने देखा है, आप क्यों छिपा रहे हैं ये बात। वो माने ही नहीं, उन्होंने कहा ये बच्चे के टांके बहुत पुराने हैं। वो मुझ पर गुस्सा होने लगे थे और मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता था। मैं उस घर से बाहर आ गया। मैं हैरान परेशान डरा हुआ, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। माता पिता मान नहीं रहे हैं, प्रिंसिपल मानेगा नहीं, बच्चे के साथ कुछ हुआ है बुरा और बच्चा बताने लायक नहीं है, वो तो हंसता रहता है, बच्चों को महसूस ही नहीं होता जैसे यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। किससे पता करूँ, सीधा प्रिंसिपल के पास ही ना पहुँच जाऊँ, सीधा झगड़ा ही ना कर लूँ, जान ही ना लूँ। अब मैं सीधा ही प्रिंसिपल के घर पहुँच गया था। अब मैं उनसे सीधा बात ही करना चाहता था। प्रिंसिपल भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ। उनके साथ मैं बैठा हुआ था और वो एक पैग बनाकर ले आए। मैं शराब नहीं पीता और उन्हें पहले ही बता चुका था, लेकिन वो मुझसे कुछ बात कहना चाहते थे। मैं भी उनसे कुछ बात करना चाहता था। सबसे पहले मैंने ही बात शुरू कर दी। मैंने कहा मैं वैसे सच जान गया हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कौन सा सच, किसकी बात कर रहे हो। मैंने कहा वो कान के नीचे जो टांके हैं ना, वो कहाँ से आ रहे हैं मैं जानता हूँ। तो वो भी अचंभित होकर कहने लगे कहाँ से आ रहे हैं, बताओ मुझे, मैं उस पर एक्शन लेता हूँ। तो मैंने कहा आप एक्शन कैसे ले सकते हैं, आप ही तो ये कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो मेरी आंखों की तरफ देखने लगा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था, जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं जानता हूँ। वो फिर भी बात छिपाने के लिए कहने लगा क्या बात कर रहे हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने कहा गलत फहमी हो ही नहीं सकती, उस बच्चे को आप ही स्कूल लेकर गए, मैंने देखा, हर एक कमरे में गए। पहले वो शीशे वाले कमरे में लेकर गए, उसके बाद वो चिप वाले कमरे में, फिर एसिड वाले कमरे में।
क्या करने लेकर गए थे और कान के नीचे टांके लगा दिए इतनी जल्दी कैसे, ये मेरी भी समझ में नहीं आया। अब आप सच बताइए वरना मैं पुलिस के पास जाने वाला हूँ। आप ही सच बताएंगे या पुलिस आपसे बुलवा ही लेगी? अब उनके चेहरे पर जो अचंभा था, जो वो घबराए हुए थे, वो घबराहट एक ही क्षण में उड़ गई। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गए और कहने लगे, अब तुम जान तो गए ही हो, अब तुम्हें और भी बहुत सच्चाई है जो जाननी होगी, धीरे धीरे तुम वो भी समझ ही जाओगे। मैंने भी कह दिया तो बताइए, वरना मैं सीधा पुलिस के पास जाने वाला। वो मुस्कुराते रहे थे, मुस्कुराए जा रहे थे। डर तो चेहरे से खत्म हो गया था और मैंने कहा, डर मैं पैदा करके रहूंगा। उनके घर से निकला था और उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में जाकर मैंने सारी बात बता दी थी और वहां पर शेरिफ भी मेरी सारी बात सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा वो चेक करेंगे। वो एक एक करके उन पेरेंट्स के घर जा रहे थे, उन बच्चों के कान के नीचे देख रहे थे वो निशान, लेकिन माँ बाप से पूछो तो वो कहते बचपन की चोट है। एक एक करके हर घर में गए, हर माँ बाप वो बात मुकरते गए। वापिस पुलिस स्टेशन आ गए थे और मैं कह रहा था, देखिए सब मिले हुए हैं, कान के नीचे टांके देखे ना आपने? और उस शेरिफ ने कहा, हाँ तो क्या, चोट लगी हो सकती है, हर माँ बाप ने बताया, मुझे तुम पर शक हो रहा है। वो पुलिस वाला भी मेरी मदद नहीं कर रहा था, बात को छिपाए जा रहा था। और मैं अपने सर के बाल खींचने पर आ गया था, यहाँ कोई बात मानता क्यों नहीं, क्यों नहीं समझ रहे बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, जैसे हर माँ बाप मिले हुए हो, प्रिंसिपल मिला हुआ हो, ये पुलिस वाला मिला हुआ हो। कहूँ तो किससे कहूँ, मैं इस शहर के मेयर के पास जाता हूँ, वही बात समझेंगे। उस रात 8 बजे मैं मेयर के पास पहुंचा था। मेयर भी मुझसे मिलना चाहते थे, वो मेरी कहानियां सुन चुके थे कि मैं किस तरह से इस शहर में आया हूँ, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और कई पेरेंट्स मेरी बात उनसे किया करते थे, वो अमीर लोग। वो मुझे पहले से जानते थे और मैं भी बात घुमाना नहीं चाहता था, सीधा बताया, यहाँ सब मिले हुए हैं, यहाँ बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, ऑपरेशन किया जा रहा है बच्चों का, उन्हें कुछ किया जा रहा है, वो मेरी समझ से बाहर है। वो मेयर भी वहाँ बैठे मेरी बात सुने जा रहे थे और कह रहे थे, किससे किससे बात की तुमने? मैंने कहा, पेरेंट्स से। वो माने नहीं, प्रिंसिपल तो खुद कर रहा है ये ऑपरेशन, पुलिस को बताया, वो बात मानी नहीं। फिर उन्होंने कहा, इसके बाद क्या करने का इरादा है? मैंने कहा, आपके पास आया हूँ, आपके पास पावर है, आप समझ पाएंगे आपके शहर में क्या हो रहा है, बच्चों का ऑपरेशन करके कुछ किया जा रहा है। मेयर ने कहा, किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? हम इंसान बहुत ही भावुक होते हैं, हम नियमों का पालन नहीं करते, अगर बच्चों को ही सही कर दिया जाए तो यहाँ पर कोई भी भटक नहीं सकता, यही तो शहर का नियम है। मैंने कहा, मैं ये बात समझता हूँ, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, इस तरह से जो किया जा रहा है कुछ तो नुकसान होगा उसका, वो प्रिंसिपल क्या कर रहा है, वो बच्चों के दिमाग को कुछ कर रहा है। तो वो मेयर मेरे पास आया, अपने कानों के पीछे लगे वो टांके दिखाए और कहा, यहाँ तुम्हें हर कोई ऐसा ही मिलेगा। मेरे पांव तले जमीन खिसक गई थी, उनके कान के नीचे भी वैसे ही टांके लगे हुए थे, उनके साथ भी वैसा ही ऑपरेशन हो चुका था। क्या ये प्रिंसिपल है जो हर किसी के साथ ऐसा ही ऑपरेशन करता है? उस मेयर ने मुझे पीछे वाला कमरा दिखाया था जो सबसे बड़ा था, उस कमरे को देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। उसके ऑफिस के पीछे वैसी ही मशीनें पड़ी थी, वैसे ही 3 कमरे, चिप वाला कमरा, वो नाई वाला कमरा और वो एसिड वाला। वहां से भाग निकला था मैं डर गया था, अब क्या करूं। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था, उस शेरिफ को कहा था मैंने, उसके कान के नीचे भी टांके लगे थे, वहां उस पुलिस स्टेशन के पीछे बड़े कमरे में वैसा ही सामान पड़ा था, और उस शेरिफ ने कहा, ये देखो यहां भी है, तुम इसे गलत साबित नहीं कर सकते, क्या करोगे तुम, कहां जाओगे तुम? मैं भी डरता हुआ, भागता हुआ, क्या कर सकता था मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं इस शहर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन तब मैंने देखा, मुझे शहर से बाहर कोई जाने नहीं देना चाहता था। हर कोई सड़कों पर उतरा हुआ था, मेरी तरफ घूरे जा रहे थे, वो एक लाइन लगाकर अपने घरों के बाहर खड़े बस मुझे देख रहे थे,
मुस्कुरा रहे थे। मैं भाग रहा था। मैं जिसके भी पास जाता उसके कान के नीचे टांके। यहाँ बिना टांके वाला कोई नहीं था। सबके साथ वो हो चुका था। मैं उनसे बचता बचाता शहर से बाहर नहीं निकल सकता था। उस साइकिल के सहारे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। मेरा पीछा गाड़ियों से हो रहा था। मुझे एक कोने ले जाकर घेर ही लिया गया। उस दीवार के पास मैं अकेला था। वो भीड़ हंस रही थी मुझ पर, मुस्कुरा रहे थे वो लोग। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वो मुस्कुराए जा रहे थे, करीब आए जा रहे थे। एक कोने लगा, मैं रोने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था, माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था मैं सब कुछ भूल जाऊँगा जो यहाँ पर हुआ, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा, वो तो तुम वैसे भी भूल जाओगे, बल्कि उससे भी अच्छे हो जाओगे जैसे तुम अब हो। उसके बाद उस भीड़ ने मुझे पकड़ लिया था। वो मुझे इतनी ज़ोर से पकड़ चुके थे कि बाजुओं में दर्द हो रहा था। मेरी आँखें नम सी होती गई, बंद सी होती गई, जैसे आप बेहोश हो रहे हो। उसके बाद आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उस भीड़ ने मेरे साथ क्या किया मुझे नहीं पता। वो धुंधली धुंधली सी यादें हैं। पता नहीं मुझे कुछ भूल रहा है या नहीं। मुझे ये याद है, धुंधली धुंधली सी आँखों से मैंने देखा था, मैं लेटा हुआ था। वहाँ वो पुलिस वाला शेरिफ, वो कुछ कर रहा था मेरे साथ। उसके बाद मुझे उन तीनों कमरों में ले जाया गया। मेरे बाल नहीं काटे गए थे उस नाई वाले कमरे में, कान के पीछे कुछ किया गया था। मुझे धुंधला धुंधला सा याद है, वो चिप मेरे शरीर के अंदर लगाई गई थी, कानों के पीछे। मुझे ये भी याद है, उस एसिड से कुछ किया गया था। मैं अपने कानों के पीछे देख नहीं सकता था, लेकिन कुछ हो रहा था, धुआं उठ रहा था। मुझे नहीं पता उसके बाद जब मेरी नींद खुली, वहाँ मैं सड़क पर लेटा हुआ था। कोई नहीं था मेरे आसपास, मुझे छोड़ दिया गया था। मैं वहाँ से भागा था, मैं उस शहर से भाग निकला था, और अब कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। हर कोई कह रहा था, कहाँ जा रहे हो, चाय पी कर जाओ, तुम डरे हुए लग रहे हो। मैंने किसी से बात नहीं की। मैं वहाँ से बाहर जाना चाहता था। साइकिल के सहारे मैंने 30 किलोमीटर का सफ़र किया था। मैं थक गया था। उस शहर से बाहर दूसरे शहर पहुंचा मैं। वहाँ जाकर मेरी सांस में सांस आई थी। दो लोगों को बताया था, वो हंस रहे थे, वो मेरी चोट की बात कर रहे थे। लेकिन आज मैं उस मोटेल में लेटा हुआ वहाँ उस शहर से बाहर निकल आया हूँ। कल की ही तो बात है जब उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। आज मैं यहाँ दूर पहुँच आया हूँ। यहाँ कुछ लोगों के कान देखे हैं मैंने, नीचे टांके नहीं लगे हैं। वो सब बस उसी शहर में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद सा नहीं आ रहा। क्यों वहाँ टांके लगाए जा रहे थे? वहाँ मुझे काम मिला था ना, मैंने काम छोड़ क्यों दिया? मैं यहाँ क्यों आ गया? वैसे भी इस कमरे में इतनी गंदगी क्यों है? मैंने बेडशीट अभी बदली नहीं। मैं मोटेल में हूँ लेकिन गंदगी मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं अभी सारा सामान सेट करता हूँ। और मैं कुछ कह रहा था उस शहर के बारे में। वो शहर बहुत अच्छा था, बहुत सफाई थी, वहाँ पर रहना मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मैं यहाँ क्यों आ गया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं गलती से वहाँ से बाहर आ गया। मुझे साइकिल चलाना अच्छा लगता है ना, शायद मैं यहाँ तक आ गया और थक गया हूँ, इसीलिए इस मोटेल में रुका। मुझे वापस जाना चाहिए, वो काम मुझे बहुत पसंद था, बच्चों को पढ़ाना। छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। मैं दोबारा वहाँ जाऊँगा, काम अच्छा है, मुझे याद है, वहाँ से मैं एक्सपीरियंस लूँगा। और वहीं बड़े स्कूल भी तो है, वहीं पर काम करूँगा। यही तो मेरी ज़िंदगी है, बड़ी मुश्किल से काम मिला है। 6 महीने काम करूँगा, एक्सपीरियंस लूँगा, लेटर लूँगा और बड़े स्कूल में जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूँगा। मैं आपको कोई कहानी सुना रहा था। ये कहानी मेरी ज़िंदगी की साधारण सी कहानी है। यहाँ कोई कुछ बुरी घटना नहीं हुई। अगर हुई है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा?